राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार का कानून विरोध कर रहे डॉक्टर्स और सरकार के बीच सहमति बन गई है। गहलोत ने घोषणा करते हुए ट्वीट किया, मुझे खुशी है कि आखिरकार सरकार और डॉक्टर के बीच स्वास्थ्य के अधिकार पर सहमति बन गई है और राजस्थान स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी डॉक्टर्स और मरीज के रिश्ते ऐसे ही बने रहे। राजस्थान पिछले महीने विधानसभा में स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना था। अधिनियम राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ओपीडी सेवाओं और रोगी विभाग में आईपीडी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत चुनिंदा निजी सुविधाएं पर भी इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाएगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इन 8 बातों पर बनी सरकार और डॉक्टर्स की सहमति। HM ने 50 बिस्तरों से कम वाले निजी अस्पताल को RTH से बाहर कर दिया है। रियायत दर पर जमीन ना लेने वालों को भी RTH अधिनियम से बाहर किया गया है। इसके बाद अस्पतालों की निम्नलिखित श्रेणी RTH के अधिनियम द्वारा कवर की जाएगी। पहली, निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल। दूसरी, पीपी मोड पर बने अस्पताल। तीसरी, सरकार से मुफ्त या रियायत दरों पर जमीन लेने के बाद बने अस्पताल। चौथी, अस्पताल जो ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं। सरकार और डॉक्टर्स की सहमति पर चौथी बात, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा में नियमित करने का विचार किया जाएगा। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामले और अन्य मामलों को वापस लिए जाएंगे। अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृति को सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। फायर NOC नवीनीकरण हर 5 साल बाद माना जाएगा। नियमों में कोई और परिवर्तन हो तो IMA के 2 प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज 13।